Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी के चेयरमैन बन सकते थे। राहुल गांधी खुद पीएसी चेयरमैन नहीं बने। कांग्रेस महासचिव और केरल से सांसद केसी वेणुगोपाल को पीएसी चेयरमैन बनवा दिया। विपक्ष के सबसे बड़े नेता को पीएसी चेयरमैन पद मिलता है। पिछली लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी के पास पीएसी चेयरमैन होते थे। पीएसी चेयरमैन का चार्ज लेने के बाद केसी वेणुगोपाल फुल एक्शन में आ गए हैं। ये एक्शन अदाणी, सेबी, माधवी बुच, सरकार, बीजेपी समेत उन सबके लिए घंटी है जिनकी वजह से या तो सरकार के नियम टूटे या सरकार और जनता को चूना लगा। केसी वेणुगोपाल की पीएसी के काम शुरू होते ही हंगामा मचना शुरू हो गया। 29 अगस्त को कमेटी की पहली बैठक हुई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केसी वेणुगोपाल की पीएसी ने अपना काम शुरू करने के लिए 160 मुद्दे शॉर्टलिस्ट किए हैं। पीएसी ने 5 मुद्दे सुओ मोटो सिलेक्ट किए हैं। एक मुद्दा है पार्लियामेंट के एक्ट से बनी सरकारी रेगुलेटरी बॉडीज का परफॉर्मेंस रिव्यू। दूसरा मुद्दा है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक यूटिलिटी वाली फी लगाने के नियम, यूजर चार्ज, टैरिफ जैसी चीजें। इसी रिव्यू के बहाने हो सकती है अदाणी, सेबी, माधवी बुद्ध जैसे विवादों की जांच। सरकार की आमदनी और खर्च का ऑडिट पीएसी की जिम्मेदारी होती है। सेबी, ट्राई जैसे सरकारी संस्थाओं का भी ऑडिट होता है। पीएसी की जांच के दायरे में आ सकते हैं देश के सारे एयरपोर्ट, रीडेवलपमेंट और मैनेज करने वाली कंपनियां, देश के हाईवे बनाने और मैनेज करने वाली कंपनियां, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक यूटिलिटी के दायरे में आएगा इंडियन रेलवे भी। अकेले अदाणी ग्रुप देश के 7 एयरपोर्ट मैनेज करता है। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जांच का वादा कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी किया था। सरकार तो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बनी नहीं। सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों को सीरियस समझकर जांच की जरूरत नहीं समझी, लेकिन मुद्दे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे। मोदी सरकार के नेक्सस का आरोप पुराना है, लेकिन नई सरकार बनने के बाद ये खुलासा हुआ कि सभी चेयरपर्सन होते हुए माधवी बुच अदाणी ग्रुप से जुड़ी रही, अदाणी के फायदे के लिए काम करने के आरोप लगे। राहुल गांधी बस ये मांग कर रहे थे कि अलग अलग पार्टियों के सांसदों की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी बनाकर अदाणी की जांच कराई जाए। सरकार ने बिल्कुल भी इस पर विचार करने के लिए तैयार सरकार नहीं हुई। जेपीसी जांच तो नहीं हो रही, लेकिन पीएसी चेयरमैन जैसी पावरफुल पोस्ट कांग्रेस को मिलने के बाद कम से कम एक संसदीय जांच तो शुरू हो रही है। जेपीसी की तरह पीएसी में भी सदस्य सांसद होते हैं। 22 सदस्यों की नई पीएसी में पीएसी के चेयरमैन केसी वेणुगोपाल हैं। इसमें 12 सदस्य एनडीए सांसद हैं, 4 कांग्रेस सांसद हैं और 4 इंडिया गठबंधन की पार्टियों के सांसद हैं। राहुल गांधी ने ऐसे नहीं कहा था कि विपक्ष सरकार चला रही है, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। पिछले 2 साल में राहुल गांधी ने गौतम अदाणी और मोदी सरकार के नेक्सस के खिलाफ आवाज बुलंद की हुई है। कांग्रेस ने इस नेक्सस को मोदाणी नाम दिया हुआ है। पहले राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, फिर पूरे विपक्ष ने मोदाणी के खिलाफ बोलना शुरू किया। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग, लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की कई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से सरकार अदाणी नेक्सस की पोल खुली। सबसे लेटेस्ट खुलासा ये हुआ कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच की भी अदाणी से मिली भगत है, इसीलिए सेबी की जांच में कभी अदाणी के खिलाफ कुछ नहीं निकला। सरकार के कामकाज के रिव्यू के लिए कई संसदीय कमिटीज जैसे जेपीसी, पीएसी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अलग अलग मैंडेट पर काम करती हैं। पीएसी सरकार की आमदनी और खर्च का ऑडिट करती है। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी मंत्रालय विशेष के मामले देखती है। पीएसी इसीलिए ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकती है। पीएसी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को भेजती है। सरकार के लिए जरूरी होता है कि वो पीएसी
रिपोर्ट पर एक्शन ले। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।